क्या आपको पता है होली कलर्स में कुछ ऐसे खतरनाक केमिकल्स मिलाए जाते हैं जो हमारे हेयर और हमारे स्किन को साइड इफेक्ट पहुंचा सकता है। कुछ होली कलर्स में लीड ऑक्साइड, कॉपर सल्फेट, मरकरी और कुछ होली कलर्स में शीशे के बहुत ही छोटे छोटे कण मिलाए जाते हैं जो हमारे स्किन को या हमारे हेयर को बहुत ही खतरनाक साइड इफेक्ट पहुंचा सकता है। तो दोस्तों, आज मैं छोटे में आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने वाला हूं, कुछ ऐसे ट्रिक बताने वाला हूं जिसे अगर आप होली खेलने से पहले फॉलो करते हैं तो ये होली कलर्स आपके स्किन या आपके हेयर को किसी भी तरह का साइड इफेक्ट नहीं पहुँचा पाता है। इसके साथ ही कुछ लोगों को होली के तुरंत बाद उन्हें या तो जॉब पर जाना होता है या कुछ लोगों को होली के तुरंत बाद, होली खत्म होने के तुरंत बाद उन्हें स्कूल या कॉलेज जाना होता है। इस केस में अगर उनके स्किन या उनके हेयर से होली कलर नहीं मिट पाता है तो उन्हें कई सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। इस वीडियो में आपको उन सारे ट्रिक को भी बताने वाला हूं जिसे अगर आप होली खेलने से पहले फॉलो कर लेते हैं तो ये होली कलर आपके स्किन या आपके हेयर पर ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाता है। इट मीन्स कि आप एक ही वाश से इन होली कलर्स को अपने हेयर और अपने स्किन से मिटा पाते हैं। ये होली कलर्स जल्दी आपके स्किन से मिट जाता है। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखते रहें ताकि आप इन सारे टिप्स को जान पाएं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारी इसी तरह की वीडियो हर रोज़ चाहते हैं तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन होगा, उसे क्लिक करके सब्सक्राइब कर ले और बगल में बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर भी क्लिक कर ले। इससे मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाया करेगी। तो बिना देर किए चलिए शुरू। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अपने बालों को होली कलर से बचाने के लिए आपको क्या करना है। होली कलर से अपने बालों को बचाने के लिए आपको होली खेलने के 2 घंटे पहले अपने बालों पर कैस्टर ऑयल या ऑलिव ऑयल को लगा लेना है। मैं आपको बता दूं, कैस्टर ऑयल को अरंडी का तेल भी कहते हैं और ऑलिव ऑयल को हिंदी में जैतून का तेल कहते हैं। अगर आपके घर में कैस्टर ऑयल या ऑलिव ऑयल नहीं है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो नारियल तेल या बादाम का तेल भी अपने बालों पर होली खेलने से पहले लगा सकते हैं। अगर आपके घर में ऑलिव ऑयल, कैस्टर ऑयल, नारियल तेल या बादाम तेल भी नहीं है तो आपके घर में सरसों का तेल तो ज़रूर होगा, मस्टर्ड ऑयल तो ज़रूर होगा। आप इस तेल को भी अपने बालों पर होली खेलने से पहले लगा सकते हैं। इसे लगाने से आपके होली कलर्स आपके बालों को किसी भी तरह का साइड इफेक्ट नहीं पहुंचा पाएगा, किसी भी तरह का डैमेज नहीं पहुंचा पाएगा। इसके साथ ही ये होली कलर्स आपके हेयर से एक ही वाश से, एक ही शैम्पू से बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। तो अब हम जानते हैं कि अपने स्किन को होली कलर से कैसे बचाना है। स्किन को होली कलर से बचाने के लिए आपको होली खेलने के 2 घंटे पहले अपने स्किन पर मॉइस्चराइजर लगा लेना है। अगर आपके घर में मॉइस्चराइजर नहीं है तो सनस्क्रीन क्रीम होगा। आप सनस्क्रीन क्रीम का भी अपने स्किन पर यूज़ कर सकते हैं। अगर आप सनस्क्रीन क्रीम या मॉइस्चराइजर अपने स्किन पर लगा लेते हैं तो इससे आपके स्किन पर एक लेयर बन जाता है और ये लेयर होली कलर्स को आपके स्किन तक जाने से रोकता है। इसके साथ ही ये होली कलर्स अगर आपके स्किन पर लग भी जाता है तो एक ही वाश से ये होली कलर्स आपके स्किन से मिट जाता है। अगर आपके पास मॉइस्चराइजर या सनस्क्रीन क्रीम नहीं है तो आप किसी भी तरह का पेट्रोलियम जेली का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास पेट्रोलियम जेली, मॉइस्चराइजर या सनस्क्रीन क्रीम नहीं है तो आप कोकोनट मिल्क या कोकोनट ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल को भी अपने स्किन पर लगा सकते हैं, इससे भी आपको होली कलर से प्रोटेक्शन मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं कि अपने नेल्स को और अपने लिप्स को होली कलर से कैसे बचाना है। होली कलर्स से लिप्स को और नेल्स को बचाने के लिए आपको अपने लिप्स पर वैसलीन लगा लेना है। ये वैसलीन बहुत ही सस्ती होती है, अगर आपके घर में नहीं है तो आप इसे 5 रुपया या 10 रुपये में इसे बाजार से खरीद सकते हैं। इसे आपको अपने लिप्स पर होली खेलने से पहले लगा लेना है। इसके साथ ही अगर आप अपने नेल्स को भी होली कलर से बचाना चाहते हैं तो आप अपने नेल्स पर डार्क नेल पेंट को लगा सकते हैं और जैसे ये होली ख़त्म हो फिर आप उस नेल पेंट को मिटा लें, ये होली कलर्स आपके नेल तक नहीं पहुंच पाएगा। तो फ्रेंड्स, ये सारे कुछ ऐसे टिप्स थी जिसे अगर आप फॉलो करते हैं तो ये होली कलर्स आपके स्किन को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाता है, आपके हेयर को किसी भी तरह का डैमेज नहीं पहुंचाता है और होली खेलने के बाद एक ही वाश से, एक ही शैम्पू से ये होली कलर्स आपके स्किन से बाहर निकल जाता है।
अगर आपके होली कलर्स अगर कोई भी होली कलर्स आपकी स्किन पर ज़्यादा देर तक टिका रह जाता है तो इससे आपको बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो सकते हैं। तो इसलिए मेक श्योर कि आप होली खेलने से पहले इन सारे टिप्स को ज़रूर फॉलो कर लें ताकि आपके स्किन को या आपके हेयर को किसी भी तरह का नुकसान ना हो पाए और आप आसानी से होली का मज़ा भी ले पाएँ। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास रही होगी। तो वीडियो के नीचे एक लाइक बटन होगा, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। लाइक करने से मुझे पता चलेगा मेरी बनाई वीडियो आपको बहुत ही पसंद आ रही है। और हाँ, इसे दोस्तों के साथ व्हाट्सअप पर ज़रूर शेयर करें क्योंकि आपका एक शेयर आपके दोस्तों के लिए बहुत ही खास हो सकता है। ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और इसी तरह के हमारे खास वीडियो देखने के लिए सेहत राज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आप चाहें तो मुझे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।